एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने अभी से स्टार्ट किया है। अभी टाइम कितना हो रहा होगा? यही कुछ छः बज रहे होंगे, शाम के 6 बज रहे होंगे। और यहाँ का वेदर अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि कल दिन से ही यहाँ पर बारिश हो रही है। दिन में पार्क में पानी है, फिर भी लोग घूम रहे हैं। मतलब जिनको शाम को घूमने की आदत है, उनको तो आदत होती है ना घूमने की, तो वो पार्क में पूरा पानी भरा हुआ है, फिर भी लोग सब घूम रहे हैं। तो मतलब कल दिन में भी बारिश हुई थी, दिन में बारिश हुई थी मॉर्निंग के टाइम में। एंड उसके बाद बीच में ना, मतलब वेदर अच्छा था, बीच में थोड़ा सा ये हो गया था, कूल डाउन हो गया था थोड़ा सा। एंड रात को हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि रूम बंद करके एसी चला के सो, तो फिर पता नहीं चलता है बाहर क्या हो रहा है। तो रात को बहुत बारिश हुई। जब हम सुबह उठे तो देखा कि पूरा मतलब फील्ड भरा हुआ है पानी से। उसके बाद फिर मेरी किचन यहाँ से दिखती है। फिर उसके बाद मेरे को सुबह में लगा था कि हाउस हेल्पर आएगी नहीं, बट थैंक गॉड वो आ गई। और आने के बाद उसने मतलब सारा काम वाम कर दिया। उसके बाद कल मैं गई थी नर्सरी, जैसे कि मैंने प्रीवियस ब्लॉग में शेयर किया है, तो वहीं से मैं प्लांट्स लेके आई हूँ। ये जो प्लांट्स हैं ना, मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो फिर चलो मैं आपको दिखाती हूँ पार्क का व्यू, और लोग जो टहल रहे हैं वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। पूरा पानी पानी है ना, पूरा पानी पानी है। तो देख सकते हो कि पानी के लोग टहल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है ना, मौसम चेंज हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन करता है बस यहीं पे चाय बना के, एक कप चाय बना के बैठ के पिया जाए। मैं तो सोच रही हूँ जाती हूँ एक कप चाय बना लेती हूँ, फिर बैठ कर पी लेती हूँ। फिर ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कौन सा प्लांट्स लिया है मैंने। और इसमें बस एक मेरे हस्बैंड के पसंद का है, बाकी सारी मेरे पसंद का है। एंड पीछे भी मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। तो अभी यही सोच रहे हैं हम लोग कि इसको रखा कहाँ जाए, आगे ज़्यादा सेफ होगा या पीछे होगा। तो फिर देखते हैं, फिर चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट कैसे क्या बनता है। अभी तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय बना लेती हूँ, एक कप चाय पी लेती हूँ मैं। उसके बाद आज पता नहीं वो मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर किया था ना, कि मेरे यहाँ वो जिस पे नॉन वेज बनाते हैं चूल्हे पे ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग ना इस चूल्हे पे नॉन वेज बनाते हैं, इस वाले चूल्हे पे नॉन वेज बनाते हैं। तो इसका ना एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, जिसमें एक सिलेंडर मैं खाना बनाने के लिए अलग से लगा के रखती हूँ, और एक नॉनवेज के लिए मैं फ़िक्स रखती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि इनको सुबह में कभी मॉर्निंग में ऑमलेट का मन हो, नाश्ता ऑमलेट ब्रेड खा के जाने का मन हो, ऐसा कुछ हो, तो मैं रेगुलेटर लगा होता है ना, तो फटाफट से मैं बना के दे देती हूँ। तो वो हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, इसके कारण हम नॉनवेज नहीं खा पा रहे थे। दो ढाई हफ्ते हो गए थे नहीं खा पाए थे। फिर उसके बाद आज सिलेंडर आया है, एंड मैंने उसी से यहाँ पर आ गई थी मैं रात का डिनर बनाने के लिए, जिसमें मैंने बनाई थी कद्दू की सब्जी, सूखी सब्जी बनाई थी मैंने, प्याज और लहसुन को रफली चॉप करके बनाया था मैंने सब्जी। तो वही सूखी सब्जी बनाई थी डिनर में कद्दू की,
सिंपल सी सब्ज़ी बनती है तो, और वो काफ़ी टेस्टी भी बनती है ये सब्ज़ी। ये कद्दू काटने में बहुत मुश्किल होता है, हाथ कटने का डर होता है चाकू से, तो फिर इसको बहुत सेफली काटना पड़ता है। और इसके जो पिल्स होते हैं ना वो छिले में बहुत मतलब ये हो जाते हैं, दिक्कत हो जाते हैं। तो यही सूखी सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद फिर मैं किचन में मेरे को दूध दही जमाना था, तो वही फिर मैं दही जमा रही हूँ। उसके बाद फिर उस दिन मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई, तो वो ये है मेरा नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मैं जब नहा वहाँ कराई थी तो मैंने, मुझे थोड़ी सी सुबह नहा लिया था मैंने, तो थोड़ी सी लिटिल वाली भूख लग रही थी, तो मैंने चाय बनाया था। चाय के साथ मैंने ब्रेड और जैम ले लिया था। उसके बाद फिर अब आरुष का तमाशा देख सकते हो। पता नहीं इसको आजकल क्या हो गया ना, सुबह और शाम दोनों टाइम इसको पॉपकॉर्न चाहिए। अगर दोपहर में सोकर उठेगा तब भी पॉपकॉर्न चाहिए और सुबह में भी पॉपकॉर्न चाहिए। तो अब पता नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, किसी चीज़ की बस जिद पकड़ लेते हैं दो तीन दिन के लिए। और ये है मेरे मेसी सा घर जो आरुष ने फैला कर रखा हुआ है। एंड नेक्स्ट डे थोड़ा सा धूप उगा था, वेदर अच्छा था। यही तो होता है ना, बारिश होती नहीं है, होती है तो फिर पूरा गंद मचा देती है। मतलब सबसे मेरे को प्रॉब्लम तो कपड़े सुखाने में होते हैं। कपड़ा आप मशीन में धुल लो, फिर उसको सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये दूध मैंने बॉयल किया था और दाल मेरी चढ़ी थी, दही जमाना था इसलिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आई थी, मैंने सोचा था क्योंकि मैं बिना चाय के तो रह नहीं सकती, मेरे को दिन में जितनी बार चाय पिला दो, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि ये बैड हैबिट है, कोई गुड हैबिट तो है नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह में 2 कप चाय और शाम को 1 कप चाय। कभी कभी अगर सिर में दर्द हो ना तो किसी काम से, तो फिर शाम को मैं 2 कप चाय पी लेती हूँ। तो यही मैं चाय बनाने आई थी, और चाय बना के फिर मैं ये दाल चढ़ा हुआ था मेरा, फिर मैं किचन का और भी काम निपटाती, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। तो मेरी आज की ब्लॉग आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लाइफ की हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और हर चीज़ मैं शेयर भी करती हूँ। तो फिर मिलते हैं, तब तक ये ब्लॉग आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।